Hello students, class 2 इसका हमारा टॉपिक है द प्लांट वर्ल्ड और लेक्चर नंबर 5 है. आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके बुक पेज नंबर 25 से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द फोर मेन स्टेजेस ऑफ अ प्लांट्स लाइफ साइकिल. तो प्लांट के लाइफ साइकिल की जो फोर स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं. देखिए उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. The four stages of a plant's life cycle are, plant की life cycle में जो उसकी four stages हैं वो कौन कौन सी हैं. Number one, seed, कि सबसे पहले हम seed लगाते हैं. Number two है seed with roots and shoots, कि फिर seed की roots निकलना start हो जाती हैं underground और shoots जो है upper ground यानी ground से बाहर जो है उसकी roots shoots जो हैं वो grow करना शुरू कर जाती हैं. सबसे पहले सीड होता है, सेकंड स्टेज होती है सीड विद रूट्स एंड शूट्स, के सीड विद रूट्स और शूट्स के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. नंबर 3 है प्लांट विद लीव्स, के प्लांट जो है फिर उसके ऊपर थर्ड वाले स्टेज में आकर उसके लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड नंबर 4th है प्लांट विद फ्लावर्स, और फिर क्या होता है नंबर 4th पे जब वो प्लांट पूरा डर प्लांट बन जाता है तो फिर उसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं. इस तरह से प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट करता है, फ्लावर्स आगे रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर में सीड्स बनेंगे और फिर वो सीड्स लगाए जाएंगे. तो इसी तरह से सारा लाइफ साइकिल चलता रहेगा. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट न्यूट्रिएंट्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. तो सीड को ग्रो करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जो सोइल से मिलते हैं प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, तो आज इसका आंसर है अ सीड नीड मिनरल्स एंड विटामिंस टू ग्रो. कि सीड को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, मिनरल्स और विटामिंस. मिनरल्स और विटामिंस उनको मिलते हैं और फिर इनके मिलने से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करेंगे. आप इनको अच्छी तरह से अपने नोटबुक पे भी नोट करें और इसके अलावा इनको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है. कल इंशाल्लाह ताला हम आगे करेंगे. और साथ में आपका क्या काम है, जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो आपने ये जो डायग्राम है इसकी इनको अंदर बेशक की सारा कुछ ना लिखें, सिर्फ ये पॉइंट्स लिखें और साथ में ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी अच्छी तरह से ड्रा करें और ड्रा करने के बाद इसके हर एक पॉइंट को लेबल करें. बुक पेज नंबर 22 और 23 से क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम है वो है. ठीक है, वो भी साथ में आपने लेबल करनी है और इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करना है. कल हम आगे करेंगे. थैंक यू.